कराची शहर का मुजाफाती इलाका ग्रीक्स विलेज है, जहां 80 स्क्वायर गज पर मुहित ये घर एहसान कोहाटी का है। एहसान कोहाटी एक प्राइवेट टीवी चैनल में क्राइम रिपोर्टर हैं और एक मकामी अखबार में कॉलम भी लिखते हैं। ये कॉलम कलमी नाम से छपते हैं, यानी सैलानी के कलम से। एहसान यकुम मुहर्रम को कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी में दो मजहबी ग्रुपों के दरमियान तसादुम के वाकये की रिपोर्टिंग में मसरूफ थे कि अंधाधुंध फायरिंग की सद में आ गए। मैंने देखा कि अंधेरे में गोलियां डायरेक्ट चल रही हैं, तो मुझे बड़ा शौक लगा और परेशान होके, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब मैं ही वहीं पर था और लोग जो हैं हमारे मीडिया के जो साथी हैं वो गुस्से का निशाना बने थे, तो वो सिर्फ फासले पे खड़े होकर कैमरा मैन और साथी रिपोर्ट जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे थे। मैं ज़रा करीब चला गया था कि मजमे में मैं चला गया था कि वहाँ देखूँ कि सूरत हाल क्या है। जब फायरिंग हुई तो मैं ज़रा पीछा नहीं लगा तो अचानक मेरे हाथ में कोई चीज़ आकर लगी बहुत ज़ोर से, और मुझे समझो कि कोई नुकीली पत्थर आके मुझे लग गया। मुझे नहीं आगे था कि मुझे भी गोली लगी है, लेकिन हाथ में मेरे मोबाइल फ़ोन था, मैं उसी फ़ोन से दफ्तर को फ़ोन कर रहा था, उनसे रास्ते में था, तो फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया। मैंने जब अपना हाथ उठा के ऐसे देखा तो मेरी आस्तीन में छेद था और खून बह रहा था। मैंने कहा ये तो पत्थर का जख्म नहीं है, मुझे गोली लगी है। फिर देखा मेरे चेस्ट में मुझे पेन हो रही, मेरे मुझे पेट में पेन होना शुरू हुई, तो मुझे समझ में आ गई कि मुझे गोलियां लगी। एहसान कोहाटी को चार गोलियां लगी, पहली गोली हाथ, दूसरी सीने, तीसरी पेट और चौथी उनकी गर्दन को छूती हुई निकल गई। जब उन्हें गोलियां लगी तो वो हैरान रह गए कि मुझे किसने गोलियां मारी। इससे कबल उन्होंने ऐसे कई वाकयात की कवरेज की, लेकिन आज तक ऐसा वाकया पेश नहीं आया। मुझे चार गोलियां लगी, पहली गोली मुझे गालिबन हाथ पे लगी मेरे, जिसने मुझे मेरा हाथ ही तोड़ दिया। इस गोली ने डायरेक्ट मुझे हाथ पे लगी, यहाँ से लगी और यहाँ से आर पार होगी। दूसरी गोली मुझे यहाँ चेस्ट पे लगी थी और ये जो अंदर आ गई, फिर एक मुझे यहाँ पेट पे लगी है, पसली के पास लगी है, और एक गोली ने बिल्कुल मेरी गर्दन के पास से स्क्रैच किया, उसने मुझे मेरी गर्दन को छिलती हुई चली गई। तो बस ये अल्लाह ताला ने बचाना था, वरना जिस तरह से मुझे ब्लड्स लगी थी उसके बाद बचने के इम्कान जो थे वो शायद 10% भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे बचा लिया। और मेरा अब तो अल्लाह ताला की ज़ात पे और ज़्यादा यकीन हो गया कि मारने वाला जो है वो बड़ा नहीं है, बचाने वाला बड़ा है। सदमा सा हुआ या हैरत हुई कि मुझे गोली लग गई है। 10-12 साल हो गए हैं कि क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, कटी पहाड़ी, लियारी गैंगवार्स, चाकीवाड़ा, आठ चौक, मलीर के इलाके, जाफर तैयार, रणचोली, इन कराची के वो तमाम डिस्टर्ब एरियाज जहाँ पर हालात ख़राब रहते हैं वहाँ पर हम रिपोर्टिंग के लिए जाते रहे हैं। कई मरतबा फायरिंग्स हुई हैं, हमारे सामने लोग ज़ख्मी हुए हैं, हमारे सामने लोग गिरे हैं, और हमारे सामने चलते फिरते लोग लाशों में तब्दील हुए। लेकिन खैर ये गुजरी कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। कैमरामैन कमरान खान के साथ एहसान कोहाटी। लेकिन खुशी त्यौहार और ईद के मौके पर एहसान कोहाटी खुशकिस्मत रहे और उन्हें अपने साथियों को ये बताने का मौका मिल गया कि उन्हें गोलियां लगी हैं और फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जाए। उनके साथी रिपोर्टर ये सुनकर हैरान परेशान रह गए। उसके बाद अल्लाह ने मुझे हौसला दिया, मैं खुद को मैंने मजबूत किया और भागता हुआ अपने साथी रिपोर्टर्स के पास गया और उन्हें मैंने कहा कि मुझे गोली लग गई है। हम लोग जो इन वाकयात को रिपोर्ट कर रहे होते हैं उस वक्त हमें शायद बड़ा आसान लगता है, क्योंकि टारगेट हम लोग नहीं होते या इंसान की फितरत है, वो जो बेचारे जख्मी हो रहे होते हैं उनसे हमारा कोई वो दूसरे आम लोग होते हैं। लेकिन मेरे साथी जिनके साथ 10-12 साल मुझे रिपोर्टिंग करते हुए हो गए, मेरे फील्ड के लोग जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो वो शॉक में आ गए, उन्हें समझ ही नहीं आया और मेरा मुँह देख रहे थे। मैंने कहा यार मुझे गोलियाँ लग गई हैं, वो फिर मेरा मुँह देख रहे, मैंने फिर कहा यार मुझे गोलियाँ लग गई हैं, तब उनको होश में आया और उन्होंने एक शोर मच गया कि गुवाहाटी को गोलियां लगी हैं, गुवाहाटी को गोलियां लगी हैं, एम्बुलेंस ले कराओ, एम्बुलेंस ले कराओ। एहसान को जब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो उनके जहन में सिर्फ एक बात घूम रही थी कि उनका इलाज एक अच्छे अस्पताल में होना चाहिए। ताहम उन्हें ये भी मालूम था कि वो किसी भी बेहतर अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिस वक्त मुझे ब्लड्स लगी मैं चाह रहा था कि अगर खान हॉस्पिटल चला जाऊं जो कराची का सबसे अच्छा लेकिन सबसे महंगा हॉस्पिटल है,
लेकिन मुझे ख्याल आया कि मैं अगर खान हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं लेकर नेशनल में जाऊँ। और उस जो पुलिस वाला मेरे साथ था जो मुझे लेके जा रहा था, उससे मैंने कहा कि मुझे इस हॉस्पिटल में ले जाओ, क्योंकि मैं समझ रहा था कि शायद लेकिन नेशनल हॉस्पिटल के जो खर्चात हैं वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो एक जो सैलरीड पर्सन शख्स होता है जिसको तनख्वाह मिलती है और उसने पूरा महीना गुजारना होता है, एक वो भी परेशानी थी। और फिर मुझे अपने बच्चों का, और मेरे मेरे बच्चे मुझे बहुत अजीज़ हैं, बहुत प्यारे हैं, उनका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा था। मुनीब का कभी चेहरा मेरे सामने आता है जो स्कूल से आते के साथ ही मुझे जप्पी डाल लेता है, और कभी यहाँ से चूमता है मुझे, कभी यहाँ से चूमता है मुझे। शीश खान मुझे याद आ रहा था जो रात के मेरे पास बैठ के मुझसे कहानियाँ सुनता है। मुझे अपनी वालदा का याद आ रही थी जिन्होंने बड़ी तकलीफों से हमें पाला पोसा है। मैं क्लास 3 में था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। एहसान की माँ का कहना है कि जब उनके बेटे को गोलियां लगी तो उन्हें कुदरती तौर पर महसूस हुआ कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है। असर और मगरिब का दरमियान था, कुदरती मुझे कुछ ऐसी फील हुआ कि जैसे मुझे ना किसी ने सीने पे 3 मुक्के मारे हैं। मैं अजीब सी मेरी कैफियत हो गई और मैं अपनी बेटी को कहती सादी मुझे पानी पिलाओ बेटा और पता करो भाई तुम्हारा कहाँ पे है। कहती क्यों, अभी तो आपसे बात हुई 3 बजे, लेकिन मैंने कहा मुझे कुछ हो रहा है, मेरे एहसान को कुछ हो गया। कहती अम्मी आप तो बस पता नहीं क्या समझ देती हूँ आपको, पानी उसने मुझे दिया है लेकिन मेरी सांसों की जो कैफियत है ना अजीब सी हो गई। मैं बाहर गैलरी की तरफ निकल गई और लंबे लंबे सांस ली, दुपट्टा मैंने सर से उतारा और बस अजीब सी मेरी कैफियत हो गई, बहुत बुरी हालत। पानी उसने मुझे दिया लेकिन मैंने कहा शांति को कुछ लग रहा है, कुछ हो गया बेटा, तो पता कर मेरे मोबाइल से वो नहीं ट्राई कर रहा, आप अपने मोबाइल से, अम्मी जी वो रास्ते में होगा। मैंने टीवी ऑन किया, टीवी ऑन किया तो उसमें पट्टी चल रही थी, एहसान को हाटी के सीने में गोली लग गई। बस फिर तो मेरी कैफियत क्या थी, फिर वो खुदा जानता ही, हमें जानती है कि मेरे ये 3 बच्चा बड़ी मुश्किलों से पला हुआ। सहाफती तंजीमों का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्कों में से एक है जहां सबसे ज्यादा सहाफी कत्ल हुए हैं, ख्वाह बम ब्लास्ट का शिकार हुए या अंधी गोलियों का निशाना बन गए। हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद अब तक कातिल की गिरफ्तारी तो दूर की बात, किसी मुजरिम की निशानदेही भी नहीं हो सकी। तकरीबन 100 के करीब सहाफी और अखबारी कारकुन जो है वो या तो कत्ल कर दिए गए या बम ब्लास्ट या गोलियों का निशाना बन गए। उनमें आप अगर आप देखें उसमें अब तक हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद 1-2 केसेस के अलावा अब तक किसी कातिल का ना पता चला है और ना उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुल्कों में शुमार होता है सहाफत के हवाले से। सेफ्टी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बल्कि बल्कि प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत है कि रिपोर्टिंग की कैसे जाती है, सवाल कैसे किए जाते हैं, तहकीक किस तरह होती है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती हैं। उसमें कि आपकी प्रोफेशनल स्किल्स, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, आपकी आप अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं तो उधर जब आप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं उधर आपके सवाल करने की नौीयत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, अगर आप किसी सेफ एरिया में तो वहाँ आप सवाल जो है वो बिल्कुल दूसरे अंदाज में करते हैं। वही सवाल जो जो ज़ोर से आप कराची में कर सकते हैं, लाहौर में कर सकते हैं, उसी लहजे में आप वो सवाल फाटा में या बलूचिस्तान में नहीं कर सकते। इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, फिर आपके सवाल जो है उसका वो मुख्तसर होने चाहिए आपके। ये वो चीज़ें हैं जो किसी ट्रेनिंग के बगैर नहीं आती। फिर सेफ्टी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है कि आप अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं आप उसमें आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कहाँ आपकी अगर किसी आप किसी इनकाउंटर में फंस गए, किसी क्लैश में फंस गए, किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ ज़्यादातर लोग अजनबी हैं, आप किसी को पहचानते नहीं हैं, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग की हैं और ये ट्रेनिंग मुसलसल होती रहनी चाहिए। गुज़िश्ता 10-12 बरस में पाकिस्तान में 100 से ज़ायद सहाफ़ी कत्ल हुए। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स मौजूद हैं जो सहाफ़ियों को टारगेट करते हैं, इनमें मजहबी फ़िरका परस्त तंजीमें, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, प्रोफेशनल गैंग्स और सरकारी इदारे शामिल हैं। ये सईद सरबाजी हैं
जो कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी के रुकन हैं, इन्हें सरकारी इदारे के अहलकारों ने अगवा कर लिया था। 4 दिन और 4 रातें टॉर्चर सेल में रखने के बाद उन्हें छोड़ा गया। गाड़ी से निकाला, मेरे हाथ में हथकड़ी लगा दी और आंखों में पट्टियां बांध के मुझे किसी ऐसे कमरे में ले गए जहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि एसी वगैरह चल रहे थे। खैर वो मुझे लेके गए, फिर वहाँ पे मुझे कमरा था, टाइप था, वहाँ खड़ा रखा और हाथ मेरा ब्लाइंड फोल्डेड था, मैं हथकड़ियाँ लगी होती थी। मुसलसल 3-4 दिन तक मुझे उन्होंने रखा हुआ और शाम के टाइम रात को खुशीसर मुझे मतलब वहाँ मुझे ना सोने दे रहे ना वो बैठने दे रहे, इस तरह से मुझे जो है ना टॉर्चर करते रहे वो 4 दिन तक। नज़ीर अहमद कराची के नामवर फोटोग्राफर्स में से एक हैं। चंद साल कब अमरीकी कौंसिल जनरल के घर और इंडियन एम्बेसी के करीब एक कार बम धमाके की कवरेज के दौरान एक क्रैकर उनके कैमरे को लगा। कैमरे की वजह से आंख तो बच गई, लेकिन जिस उंगली से वो कैमरे का फ्लैश दबा रहे थे वो क्रैकर लगने से उड़ गई और कैमरा तबाह हो गया। वो गाड़ी जो बंद खड़ी हुई थी बलिनो, जो पहले से मशकूक थी कि छीनी हुई थी, वो गाड़ी अक्सर फिल्मों में जैसे कारें उड़ती है ना, इस तरीके से उड़ी और उसके परखचे उड़ गए और उसमें का एक क्रैकर आके लगा मुझे। मैं उसको शूट कर रहा था तो मेरे हाथ में कैमरा था और जूम था, जिसकी वजह से जो है मेरी आंख बच गई और ये मेरी फिंगर उड़ गई, ये जो फिंगर है ना ये उड़ गई और मेरे हाथ से कैमरा निकल के मुझे नहीं पता कहाँ गया। इतनी ज़ोर से आके क्रैकर लगा कि मुझे कैमरे का होश नहीं और ये यहाँ मेरी पेशानी के पास से ये फाड़ दिया सब, ये पूरा लटक गया और उंगली मेरी ये लटकने लगी। अब मैं बड़ा परेशान कि मेरे हाथ में कैमरा था कहाँ गया। 1-2 मिनट के बाद फिर मैं ज़रा सा मेरे पे जब टेंशन आई और ये खून देखा तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा सब कुछ जो है वो कैमरा उमरा भूल के मुझे अपनी फिक्र थी कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं और कैसे मेडिकल की तरफ जाऊं। 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की रैली में बम धमाके के दौरान मकामी चैनल के कैमरामैन मोहम्मद आरिफ चाबहक हो गए। उनके साथ कवरेज करने वाले साथी कैमरामैन आबिद अली शदीद जख्मी हुए। आबिद अली का कहना है कि उन्हें 6 महीने बाद यानी अस्पताल से घर मुंतकिल होने के बाद ये मालूम हुआ कि मोहम्मद आरिफ इस धमाके में जान बहक हो चुके हैं। वो धमाका इतना शदीद था कि मैं हवा में उड़ा हूँ, तकरीबन 2 से 3 फीट हवा में मैं उड़ा हूँ और वापस मैं नीचे आया हूँ। एकदम से मेरे कानों में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और जब मैं आगे कदम बढ़ाया तो मैं लड़खड़ा गया, चला नहीं जा रहा था। मुझे नीचे देखा तो खून बड़ी तेज़ी से मेरा निकल रहा था, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार मुझे कुछ ना कुछ लग गया है। हमारे दोस्त हैं आरिफ भाई, शहीद आरिफ भाई, वो उस टाइम वहीं हमारे साथ ही थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इसी तरह लिखी थी तो वो मेरे फ्रेम में थे, यानी वो मुझसे आगे थे। तो खैर मैंने तो उनके ना, जब से उस हादसे के बाद मुझे नहीं पता था कि आरिफ एक्सपायर हो गया, शहीद हो गया, 6 महीने के बाद जाके मुझे पता चला था। पाकिस्तान में लोगों को खबर देने वाले यानी सहाफी आजकल खुद खबर बन रहे हैं, उन्हें अगवा किया जाता है, बासोकत उन्हें टारगेट करके कत्ल कर दिया जाता है और कभी वो ब्लास्ट का शिकार बन जाते हैं। सुबह जब वो घर से निकलते हैं तो उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वो रात सही सलामत अपने घर पहुंचेंगे या नहीं।